देश के सिर्फ 4.6% ग्रामीण परिवार आयकर देते हैं, जबकि वेतन भोगी ग्रामीण परिवारों की संख्या 10% है। ये बात पिछले 8 दशक में पहली बार जारी सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना में कही गई है। सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 में कहा गया है कि आयकर देने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या 3.49% है, जबकि अनुसूचित जनजाति के ऐसे परिवारों की संख्या मात्र 3.34% है। ये जनगणना जारी करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस आंकड़े से सरकार को बेहतर नीति नियोजन में मदद मिलेगी। The progress which households in India have made, who are the ones who have qualitatively moved up in terms of quality of life, and which are the ones both in terms of geographical regions, social groupings, which in future planning needs to be targeted. A document of this kind, which will reflect the realities of India, is going to be a very important input for all policy makers, both in the central government and the state governments. And I'm sure with the enormity of schemes and their reaches that all governments have, this document will form a basis of helping us to target groups for support. जेटली ने कहा कि योजनाओं की विशालता और हर सरकार की पहुंच को देखते हुए इस दस्तावेज से हमें नीति नियोजन के लिहाज से लक्षित समूह को सहायता पहुंचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस दस्तावेज में भारत की वास्तविकता जाहिर होगी और ये सभी नीति निर्माताओं, केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए बेहद जरूरी होगा। गौरतलब है कि 1932 के बाद ये पहली जनगणना है जिसमें क्षेत्र, विषय, समुदाय, जाति और आर्थिक समूह संबंधी कई किस्म के ब्यौरे हैं और भारत में परिवारों की प्रगति का आकलन किया गया है। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।